हम आपको आज इंस्पायर बुक रिव्यू के एक और सेशन में सम्मानित करते हैं। नॉवेलिस्ट क्रिस्टोफर पाउलियो के बुक्स ऑन अफेयर्स एट द पॉइंट्स द लिटिल लाइफ एंड द होपफुल फैमिली। वो कहते हैं कि किताबें उनके दोस्त उनके मनसफर के बारे में उनके साथी हैं उनको बुलाते हैं और उनके जिंदगी का मकसद तलाश करने में मदद। आज की हमारी किताब हम अपने वीडियोस को इन जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से गुजरते हैं जिनको हम अपने खुद के सेशन में एक्सप्लोर करते हैं। तमाम की जिंदगी ऐसे कुछ लोग हैं चाहे फिर वो हमारे गार्डन में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर हमारे देश का जो हमें जिंदगी के मुख्तलिफ अवकात में हमारी मदद करते हैं मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते हैं जिंदगी को देखने का इस किताब में मिच एल्बॉन के लिए वो शख्सियत उनके एक्स सोशियोलॉजी के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मॉरिस जॉन्स जो उनको जिंदगी गुजारने का एक नया तरीका सिखाते हैं। ये किताब मॉरी और मिच के दरमियान कुछ कन्वर्सेशन कुछ बातचीत करना ये कन्वर्सेशन से बातचीत 14 पेजेस का होते हैं जबकि सारे कम्युनिकेशन स्किल्स की हमें मंगल वाले चले गए हैं इसलिए इस किताब का नाम प्रिंसेस विद मॉरे है। ये किताब सन 2000 में न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलिंग लिस्ट में शामिल थी और ये बाजार इसके पास 205 हफ्ते यानी कि तकरीबन 4 साल तक है और ये आज भी न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलिंग नॉवेल में शुमार की जाती है। सन 1999 में इस किताब पर एक मूवी भी बनाई गई और 2002 में इसका एक स्क्रीन प्ले भी बनाया गया। इस ऑथर ने इस किताब के बाद कई और किताबें लिखी जिनमें से 3 का मैं जिक्र करूंगा जो न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल है जिनके नाम है द 5 पीपल यू मेट इन हेल फॉर वन मोर डे और आज के हमारे बुक रिव्यू सेशन में जो स्पीकर है उनका नाम है मिस ग्रीन लीडर। मिस अंग्रीन का ताल्लुक एजुकेशन की फील्ड में पिछले 20 सालों से रहा है। सन 2013 से वो स्टेट डिपार्टमेंट की अकेडमिक डायरेक्टर रही हैं। उन्होंने मास्टर्स किया है एजुकेशन जेंडर एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट में फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज और कोई सर वो मेरी मेंटर हैं। हम मिस अंग्रीन को आज के सेशन में मिस अंग्रीन के लिए वेलकम करते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बुक रिव्यू सेशन का आगाज करने से केवल कुछ हाउसकीपिंग आइटम्स। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन सजेशन या कॉमेंट्स दिखते हैं तो नीचे दिए गए चैट बॉक्स के थ्रू हम तक पहुंचाएं। क्वेश्चन लिखते वक्त अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। हम इस बुक रिव्यू सेशन के इख्तिताम पर उन क्वेश्चन को हम अपने स्पीकर के साथ डिस्कस करेंगे। आप हमें बताना चाहेंगे कि इस किताब में क्या मौजूद है इस किताब का और ये कि आपने इस किताब को आज के बुक रिव्यू सेशन के लिए पूछा। थैंक यू अली। आई थिंक जो इस किताब का जॉनरा है वो आप बता चुके हैं कि मेमोरीज हैं और ये रियल लाइफ एग्जांपल्स पर एक्सपीरियंस पर बेस्ड करती है। ये जो किताब है ये एक टीचर और एक स्टूडेंट के दरमियान उनका लास्ट थीसिस है लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का थीसिस है जिसमें कोई टेक्स्ट बुक नहीं है कोई एग्जाम नहीं है कोई सिलेबस नहीं है और पूरी किताब जो है वो ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे बात करती है। विदाउट एनी बुक्स जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया गया और सीखा गया। तो ये जो किताब है ये बेसिकली 3 हिस्सों पर मबनी है। पहली जो चीज है और ये इस तरह नहीं है कि मतलब लाइक 1, 2, 3 करके नहीं है ये वक्फे वक्फे से चीजें जो है वो आती हैं। तो किताब का एक पोर्शन जो है वो मेमोरीज पर बेस करता है उसके एनेक्डोट्स पर बेस करता है जिसमें के ऑथर और मोरे दोनों की मेमोरीज को शामिल किया गया है। जो एक हिस्सा है उसमें 3 इंटरव्यूज को शामिल किया गया है जो कि मोरे ने एबीसी न्यूज चैनल को दिए थे और जो मेन डिस्कशन है इस किताब का वो उन 14 मुलाकातों पर मुश्तमिल है जो कि ट्यूसडे को मोरे के घर पर हुई और उस पे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डिस्कशन हुए
तमाम टॉपिक जिंदगी के बिग क्वेश्चंस को रिस्पोंड करते थे, सच एज पर्पस ऑफ लाइफ, लव, फियर, एजिंग, कल्चर, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, फैमिली, रिग्रेट्स. ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो उन्होंने उन 14 मुलाकातों पे डिस्कस किए हैं. तो ये बुक का बड़ा ही इजी सा ब्रीफ मैंने आपके सामने रखा. लेकिन मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि मैंने आज इस किताब को क्यों चुना. ये किताब पिछले 15 सालों से मेरी पसंदीदा किताबों में से रही है, लेकिन ये उन किताबों में से है जिसके लिए आपको, अगर आप इसमें से कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको रुकना पड़ेगा, आपको पॉज लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा और रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, तब ही आप इस किताब से कुछ मीनिंग्स को लेकर अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं. आज का जो वक्त हमें मिला है, ये ह्यूमन हिस्ट्री में, स्पेशली जो रीसेंट हिस्ट्री में पहली मर्तबा है कि चीजें स्लो डाउन हुई हैं, चीजों को एक पॉज मिला है, और हम में से बहुत से लोग अब सोच रहे हैं कि क्या वाकई हम वो जिंदगी गुजार रहे हैं जो हमें गुजारनी चाहिए. अगर हम इस तरह के सवालात आज हमारे जहनों में हैं, तो ये किताब हमें बहुत अच्छी तरह से हमारी इस थॉट को फर्दर क्लैरिफाई करने में हेल्प आउट कर सकती है. मैं समझ सकती हूँ कि आपको क्यों ये स्टूडेंट और टीचर का जो है वो रिलेशन है उसने क्लिक किया. बिकॉज हम जो खुद इस टीचर और स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज वी ऑल आर टीचर्स, तो ये फौरन से हमारी तवज्जो इसकी तरफ जाती है. आई थिंक के हम इस पे बाद में बात करते हैं, पहले इन दोनों की पर्सनालिटी को पिक करते हैं. सो मौर्य की जो पर्सनालिटी है वो बड़ी ही बैलेंस्ड किस्म की, ही इज अ सोशियोलॉजी प्रोफेसर, लेकिन ये उन लोगों में से है जिसको अपनी जिंदगी से मोहब्बत है, जिसको अपने काम से मोहब्बत है. एज अ टीचर ही इज अ वेरी ईजी मेकर, उसको कभी ग्रेड्स की परवाह नहीं थी, लेकिन उसको अपने स्टूडेंट्स की वेलबींग की बहुत परवाह रहती थी. ये उन लोगों में से है जिसको खाना पसंद है, और जो उसकी फेवरेट हॉबी है वो डांसिंग है. एंड वो कोई किसी फॉर्म में डांस नहीं करता है, उसकी अपनी अपना अंदाज है डांस का, और उसके साथ कनेक्ट करने का. ही इज द वन हु यूजुअली स्पेंड टाइम विद फैमिली, फ्रेंड्स. तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग इन्वॉल्व सी जिंदगी है. इसके बरक्स मिच है, जो कि इस किताब का ऑथर है और मौर्य का स्टूडेंट है, अपनी शुरुआती जिंदगी में वो म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन आखिर में वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनता है. बड़ा ही कामयाब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिसके पास नाम है, शोहरत है, पैसा है, हर वक्त ट्रैवलिंग है. ये उन लोगों में से है जो बड़ा ही वर्कोहोलिक होते हैं, डेडलाइंस मीट करना है, और बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, हर चीज हाई फाई और एलीट किस्म की है. जिसके पास कमिटमेंट्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है, लेकिन डीप डाउन कहीं पर वो सेटिस्फाई नहीं है, वो खुश नहीं है, लेकिन उसके पास वक्त भी नहीं है कि वो रुके और इन सवालात के बारे में सोचे. अब आते हैं टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते की तरफ. तो ये बड़ी ही दो ऑपोजिट किस्म की पर्सनालिटी है, लेकिन जिसने उनको बांधा है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल लव फॉर ईच अदर है. और 16 साल के बाद अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे मिच जो है वो प्रॉमिस करता है मौर्य से कि वो इस ताल्लुक को कंटिन्यू करेगा, लेकिन ये हो नहीं पाता क्योंकि जिस किस्म की जाहिर है उसकी जॉब है और काम है, उसमें वक्त नहीं है उसके पास. लेकिन 16 साल के बाद जब वो मिलते हैं और मिच जो है वो मौर्य को अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू करता है कि मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, और अचानक से मौर्य कुछ सवालात करता है. बड़े इंटरेस्टिंग सवालात है, मैं चाहूंगी कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो इस पे गौर करें. सवालात कुछ यूं हैं. वो मिच से पूछता है कि तुम अपनी जिंदगी से खुश हो?
क्या तुम कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व्ड हो, उसको पे बैक कर रहे हो, क्या तुम उतना अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, और ये क्या ये कोशिश मुसलसल जारी है, क्या कोई तुम्हें ऐसा मिला है कि जिसके साथ तुम अपने ताल्लुकात को कायम कर सको, अपने रिश्तों को बांध सको, अपने दिल को बांट सको। यही वो सवालात थे जिससे कि मिच मुसलसल बच रहा था, और मौरे से मिलते ही ये सवालात उसके सामने हैं। आई थिंक कि ये जो टीचर का अपने स्टूडेंट की वेलबींग के लिए जो कंसर्न है, कि फौरन से ये समझ लेना कि शायद वो खुश नहीं है, ये एक टीचर ही कर सकता है। और एक ऐसा टीचर जो सही मायनों में अपने शागिर्दों की मुकम्मल डेवलपमेंट को फोकस करता हो, तो ये है मौरे और मिच की पर्सनालिटी और ये है उनका ताल्लुक। इनमें से जो हम किताब पढ़ते हैं तो हम किसी ना किसी कोई ना कोई पर्सनैलिटी का कोई ना कोई आस्पेक्ट हम लिंक कर सकते हैं, कोई ना कोई सवाल हमें भी इसमें करते हैं। तो आपने फरमाया कि मौर्य एक इलनेस एक डिजीज से गुजर रहा था, टर्मिनल इलनेस से गुजर रहा था। तो जब पहली बार मौर्य को अपनी डिजीज के बारे में पता चलता है तो उसका कैसा रिएक्शन होता है उस डिजीज का? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 1994 में समर्स में मौरे को चलने में तकलीफ होना शुरू होती है। इनिशियली उसको लगता है कि एजिंग का मसला है, लेकिन जब बाद में डॉक्टर्स के साथ विजिट्स होती हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, तो उसे पता चलता है कि वो ALS की एक बीमारी में मुब्तला है। ये बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें आपके जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं उसके न्यूरॉन्स जो हैं वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव डिजीज है, मतलब डिजीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, यहां तक के इंसान इस डिजीज से मर जाता है। और होता यह है कि आपके चलने का की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, आप अपने हाथ नहीं यूज कर सकते, आप खाना नहीं निगल सकते, और इवेंचुअली ये आपके लंग्स पर असरअंदाज होती है और लोग ब्रीथिंग इश्यूज से फिर उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उनका इंटेलेक्ट जो है वो इंटैक्ट रहता है। तो जाहिर है ये मौरे को ये बात समझ आ जाती है कि अब उसके पास वक्त कम है, क्योंकि डॉक्टर उसे सिर्फ 2 साल देते हैं। और मौर्य ने बहुत अच्छी तरह से ALS को डिफाइन किया है। उसने कहा कि ALS इज लाइक बर्निंग कैंडल, कि जिसमें आपकी अपनी नर्व्स पिघलती है और आपका जिस्म जो है वो मोम की मानन बाकी रह जाता है, और इंसान अपने जिस्म के अंदर फ्रोजन हो जाता है। तो जब ये खबर उसे मिलती है, ऐसी खबर जब भी किसी इंसान को मिले तो यकीनन बहुत दुख है, अफसोस है, हर्ट है, ये तमाम चीजें उसे भी होती है। लेकिन अब मौरे को डिसाइड करना है कि वो उसके पास जो महदूद सी जिंदगी बची है 1-1.5-2 साल की, उसमें उसे करना क्या है। ठीक है, तो आई थिंक कि ये जो सवाल है, ये जो चॉइस है, ये डिसाइड करेगा कि मौरे इज गोइंग टू लिव और इज गोइंग टू डाई। यहां पे मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि और खास तौर पे मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी ये शेयर करना चाहूंगी कि जिंदगी में चाहे हालात कुछ भी हो, हमेशा हमारे पास चॉइस होती है कि हम किस पे फोकस करें, और हमारी जो चॉइस होती है वही सिचुएशन को बेटर या बिटर बनाती है। तो एक बड़ा ही यंग सा एनर्जेटिक बंदा, उसको एक बहुत अच्छी फर्म में जॉब मिल जाती है। 4-5 महीने काम करने के बाद वो HR मैनेजर के पास आता है और कहता है कि मैं इस जॉब को नहीं कर सकता और मैं रिजाइन करना चाहता हूं। HR मैनेजर उससे पूछता है कि वजह क्या है, तो बताता है कि भाई इस ऑफिस में कोई किसी के साथ अच्छे तरह से पेश नहीं आता, काम का लोड बहुत ज्यादा है, लोग कोलैबोरेटिवली काम नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे की गीबत करते हैं। तो HR का मैनेजर कहता है कि ठीक है, मैं आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लूंगा, आप ये एक ग्लास लें पानी का जो कि पूरा भरा हुआ होता है, और उससे कहता है कि इस ग्लास को लेकर ऑफिस का एक चक्कर लगाएं और फिर मेरे ऑफिस में वापस आ जाएं और मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लूंगा। वो शख्स खुशी खुशी जाता है, उस पानी के ग्लास को लेकर और ऑफिस का एक चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। जब वापस आता है और उसे कहता है कि देखिए, मैंने पानी बिल्कुल नहीं गिराया, मैंने आपका काम कर लिया, अब प्लीज मेरी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करें। वो HR का मैनेजर उससे कहता है कि ये बताएं कि कौन किसकी गीबत कर रहा था ऑफिस में,
ये बताएं कि कौन सपोर्टिव नहीं था, ये बताएं कि कहां किसकी लड़ाई हो रही थी। तो उसने कहा मैंने तो इन सब चीजों को गौर ही नहीं किया, क्योंकि मैं मेरा मुकम्मल फोकस तो इस ग्लास को बचाना था कि इसमें से कोई पानी ना गिर जाए। तो एचआर मैनेजर ने कहा कि हमारी जिंदगी ऐसी ही है, ये हमारी चॉइस है कि हम जिंदगी के कौन से एस्पेक्ट को फोकस करते हैं। सो इट्स अ चॉइस दैट वी आर मेकिंग, और शायद हमारे जो ऑडियंस है वो इससे कनेक्ट करेंगे कि हम जहां पे काम करते हैं या हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, ये हमारा फोकस है जो डिसाइड करता है कि सिचुएशन इज गोइंग टू बी बेटर और बेटर। तो जब मौर्य को ये चूज करना होता है तो मौर्य की डिक्शनरी में क्विट करना नहीं है, तो उसने डिसाइड किया कि वो जिंदगी पे फोकस करेगा जो बाकी बची हुई जिंदगी है, और उस जिंदगी को, क्योंकि अब उसे पता है कि ही इज डाइंग, उसने कहा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है डाइंग के जिसको हर एक को इससे गुजरना है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता, लोग अगर बात की जाए तो अपसेट हो जाते हैं। तो बिकॉज आई एम डाइंग एंड आई एम अ टीचर, सो पीपल कैन लर्न फ्रॉम हाउ आई डाई, राइट, एंड आई कैन शेयर मैनी मेमोरीज विद द ऑडियंस। तीन चीजें मौर्य करता है। पहली चीज, वो बिट साइज फिलोसफीज लिखना शुरू करता है जिंदगी के बड़े क्वेश्चंस के बारे में, और उसी में से एक जो है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाती है, और उसका उनवान ये होता है कि प्रोफेसर फाइनल कोर्स हिज ओन डेथ। जब ये उनवान जो है वो एबीसी न्यूज चैनल के एक नाइट लाइन शो के एंकर को जब उसके नजर से ये गुजरता है तो उसको बड़ा अट्रैक्ट करता है, और वो कहता है कि इस शख्स का तो इंटरव्यू किया जाना चाहिए और इसे नेशनल टीवी पे दिखाना चाहिए। तो वो एक इंटरव्यू प्लान करते हैं और मौर्य के घर पे जाके उससे बातचीत करते हैं। इंटरव्यू इतना वेल रिसीव्ड होता है अमंग द इंटायर ऑडियंस कि हर जगह से मौर्य को खतो खिताबात शुरू होते हैं, और लाइक लाखों लोग हैं जो मौर्य को लिख रहे हैं, और दे एंडेड अप डूइंग 3 इंटरव्यूज, जब तक कि मौर्य की बोलने की जो कैपेसिटी है वो बाकी रहती है। और तीसरी चीज, ये फाइनल थीसिस है जो कि हमारे सामने ट्यूजडे विद मौर्य की सूरत में है। तो जब उसे पता चलता है दैट ही इज डाइंग, ही डिसाइडेड कि उसको अपनी बाकी जिंदगी ऐसे जीनी है कि जिसमें उसके पास जो कुछ भी है वो दूसरों के साथ शेयर करके जाए। आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोफाउंड एक्सपीरियंस। आपने जिस तरह से बताया उन्होंने डेथ को भी एज ए टीचिंग मोमेंट यूज किया। एग्जैक्टली। एक और चीज सोच रहा था कि लिविंग फ्यूनरल के बारे में अपनी जिंदगी के दौरान। ओ यस, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं ना सिर्फ तुमको बल्कि ऑडियंस को खासतौर पर बताना चाहूंगी कि मौर्य को जब पता चलता है कि वो बीमार है और कुछ अरसे में मरने वाला है तो उसको एक फ्यूनरल अटेंड करने का मौका मिलता है, और अमूमन फ्यूनरल में जो है लोग मरने वाले के बारे में बातचीत करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मौर्य घर आने के बाद ये सोचता है कि ये इतनी अच्छी बातें जो लोगों ने उसके बारे में की वो तो सुन ही नहीं पाया, और वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं सुनना चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। एंड देन ही डिसाइडेड कि वो एक लिविंग फ्यूनरल करेगा। तो बाकायदा अपने सारे जानने वालों को इनवाइट किया जाता है, और जिस तरीके से फ्यूनरल सेरेमनी के अंदर लोग मरने वाले के बारे में बातचीत करते हैं वो तमाम बातचीत मौर्य के लिए की जाती है, एंड ही रियली इंजॉयड बिकॉज कि हर एक को अपने बारे में अच्छा सुनना अच्छा लगता है, और आम तौर पे हम लोगों के साथ उनकी तारीफें उनके मुंह पर, और खासतौर पर अमूमन लोग अब तारीफें मुंह पर नहीं करते, और कभी करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन हर एक के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि उसके बारे में अच्छी बात की जाए। तो मौर्य ने अपने मरने से पहले उसको भी एक्सपीरियंस किया। इस बुक रिव्यू सेशन के इख्तिताम पर हम वो सवाल अपने स्पीकर से पूछेंगे। इस किताब में काफी सारे कोट्स हैं जो बहुत तफक किया इस किताब में लिखे गए। उनमें से एक कोट ऐसा है कि इफ यू लर्न हाउ टू डाई यू लर्न हाउ टू लिव। अगर आपने ये सीख लिया कि आपको मरना कैसे है तो आप जीना सीख सकते। इस कोट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू अली, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
जो मैंने जिस तरह से मॉरेन ने अपनी डेथ की न्यूज को रिसीव किया और जिस तरह उसके बाद वो इन्वॉल्व हुआ है, आई थिंक ये शो करता है कि जब उसने ये सीख लिया, उसे पता चल गया कि दैट ही इज गोइंग टू डाई सून, तो उसने जिंदगी को शायद ज्यादा जिया है. तो वो जो 1.5 साल उसे जो जिंदगी का मिला था, वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, वो ज्यादा लोगों को रीच आउट कर रहा था. आई थिंक मौत जो है वो बरहक है. लेकिन जो उसके साथ मसला है ना, वो ये कि हम सब जानते हैं कि सबने मरना है, लेकिन कोई मानता नहीं है कि मैं मरूंगा. बिकॉज कि अगर हम ये सोच लें कि जी मेरे पास एक छोटा सा वक्त है, तो फिर डेफिनेटली हम उसमें बेस्ट चीजें करना चाहेंगे. मौर्य यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देता है जो कि बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है. वो कहता है कि रोजाना जब आप सुबह उठते हैं, तो अपने शोल्डर पर इमेजिन करें कि एक चिड़िया या एक बर्ड बैठी हुई है, जिसको कि हम ऑडियंस को बता दूं कि हम मलकुल मौत भी कह सकते हैं, और उससे पूछें कि क्या आज मेरा आखिरी दिन है. अगर आपको लगता है कि आज, और हमें अमूमन लगता ही नहीं कि ये हमारा आखिरी दिन है, लेकिन अगर हम रोजाना इस सवाल से वो करें कि, और ये इमेजिन करें कि मेरा आज आखिरी दिन है, तो फिर मैं वो चीजें करना चाहूंगा या चाहूंगी जो कि जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? फिर हम शायद मटीरियलिज्म के अंदर मुकम्मल तौर पर डूब नहीं जाएंगे. हम अपनी जिंदगी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. एक छोटी सी कहानी इस हवाले से मैं आपको सुनाऊं कि एक मरतबा एक टूरिस्ट जो है वो एक सूफी के घर जाता है, और जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि बहुत ही कम सामान है. तो वो उससे पूछता है कि आपका सामान कहाँ है. तो सूफी उससे कहता है कि तुम्हारा सामान कहाँ है. तो वो कहता है मैं तो टूरिस्ट हूं ना. तो वो कहता है सो आई एम. तो हम यहाँ पर एज अ टूरिस्ट हैं, और हम इतना कुछ जमा करने में लग जाते हैं कि जो जिंदगी के बड़े क्वेश्चंस हैं, जो मीनिंग है, जो पर्पस है, वो लॉस्ट हो जाती है, राइट? तो ये जो क्वेश्चन है कि अगर आप मरना सीख लें, तो फिर आप जीना सीख जाते हैं. तो आई थिंक यहां पर मौर्य ये बताना चाह रहा है कि आप जिंदगी को बैलेंस्ड अंदाज में जिए, इस याद दहानी के साथ जिए कि आपका कोई भी दिन आखिरी दिन हो सकता है, और बेशक आप अपनी अच्छी जिंदगी बनाएं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करें, सब कुछ करें, लेकिन बैलेंस करें उसको अपनी होलिस्टिक ग्रोथ के साथ. तो आई थिंक ये जो पूरी कहानी है उससे वो ये बताना चाह रहा है. इस किताब में कुछ कोट्स के साथ साथ कुछ छोटी छोटी कहानियां, कुछ छोटी शॉर्ट स्टोरीज हैं, और मैं अपने आदमी को एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा. ये मॉरे मिथ को उनकी 13th मुलाकात, मैंने तो 13th चीजें बताया. कहानी में कुछ यूं होता है कि एक समंदर के अंदर, एक ओशन के अंदर एक लहर पानी होती है. वो लहर जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, वो बहुत खुश होती है. वो कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, मेरे साथ में कोई टेंशन नहीं है, मैं हवा में उड़ रही हूँ. वो जब ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है, तो वो आगे देखती आगे साफ है, जिस पर जाके तमाम लहरें अपना दम तोड़ देती है. ये देखकर वो लहर अचानक से वो खुश थी, गायब हो जाती है, और वो सांस लेती है. इतने में दूसरी लहर, एक दूसरी वेव उसको जॉइन करती है लहर को, और वो खुश रहती है. लेकिन वो इस लहर को देखकर बोलती है, तुम अफसोसा क्यों हो? तो पहली बार लहर उसका जवाब देती है कि तुम उस सामने साहिल देख रही हो, इस साहिल पे हम सब जाके अपना दम तोड़ते हैं. तो जिसकी बार लहर मुस्कुराती है और उसे कहती है, हम लोग लहर नहीं है, वी आर नॉट वेव्स, वी आर समंदर. तो ये जो दानाई की बातें हैं, ये दानाई की कहानियां हैं जो मॉरे मिथ की, आपके ख्याल में मॉरे मॉरे किस तरह से? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग अली. आई थिंक हम तमाम लोग अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से बनते हैं, और इसी तरह की कुछ एक्सपीरियंसेस मौर्य की जिंदगी में भी हैं. 8 साल की उम्र में उसकी वालदा का इंतकाल हो जाता है. उसके वालिद जो हैं वो बहुत ही इंट्रोवर्ट से इंसान हैं, जो ज्यादा बात नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं. तो जाहिर है जब एक 8 साल के बच्चे की माँ गुजर जाती है, तो वो बहुत पेन में होता है. वो चाहता है कि उसका वालिद उसे गले से लगाए, उसके ह्यूमन टच से वो हील हो. वो चाहता है कि उससे बात की जाए, लेकिन उसको वो पेन अपने अंदर ही दबाना पड़ता है.
और वो एक खला उसके अंदर रह जाता है कि, और उसे समझ आ जाती है कि जब भी इंसान तकलीफ में होता है तो एक्सप्रेशन, मोहब्बत, टच, ये तमाम चीजें उसे हील करती हैं। जब वो बड़ा होता है, अपनी पीएचडी करने के बाद उसकी जो फर्स्ट जॉब होती है वो मेंटल हॉस्पिटल में होती है। वहां पे उसे करना ये होता है कि जो जितने भी मरीज हैं उनकी जो ट्रीटमेंट हो रही है उसको ऑब्जर्व करना है, मरीजों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। इस एक्सपीरियंस ने बड़ा उसकी लाइफ में काम किया। उसे पहले से पता था कि इम्पॉर्टेंट चीजें क्या हैं, लेकिन वो जो एक होता है ना कि अब तो बिल्कुल लाइक आपने बिल्कुल मान ही लिया कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू डू। होता ये है कि कुछ एक्सपीरियंसेस वो अपनी किताब में शेयर करता है कि एक मरतबा वो नोटिस कर रहा होता है कि एक औरत सुबह निकलती है हॉलवे में, आकर लेट जाती है, पूरा दिन वहीं पड़ी रहती है अननोटिस्ड, कोई इस पे तवज्जो नहीं दे रहा है, कोई इसको देख नहीं रहा है, सब उसके आसपास से गुजर रहे हैं। शाम को उठती है, अपने कमरे में चली जाती है। काफी दिनों तक उसको नोटिस करता रहता है, फिर उठकर वो उस औरत के साथ बैठना शुरू करता है, उसी के बराबर में वो लेट जाता है। अब जब वो देखती है कि उसे नोटिस किया जा रहा है तो वो उठकर बैठना शुरू करती है, फिर दोनों उठकर एक कॉर्नर पे चले जाते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होती है, फिर आखिरकार वो उसे अपने कमरों तक में पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। इसी तरह के कुछ और केसेस के साथ वो इन्वॉल्व होता है। जो इससे वो अक्स करता है वो ये कि तमाम इंसान चाहे किसी भी हाल में हो, कुछ चीजें हमारी जरूरत है, हमारी इमोशनल नीड्स हैं कि हमें नोटिस किया जाए, हमें सुना जाए, कोई हो जो हमें हमें तवज्जो दे। और मैं अपने ऑडियंस को खास तौर पे ये बताना चाहूंगी कि जब मौरे ये समझ लेता है कि हर इंसान की ये नीड है कि उसे सुना जाए, उस पर तवज्जो दी जाए, तो वो ये सोचता है कि अब मुझे समझ में तो आ गई है लेकिन इस पर काम कैसे किया जाए। और फिर वो ये भी समझ जाता है कि आप सिर्फ एक इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं और वो आपकी अपनी जात है। तो ये तमाम चीजें, ये जो काइंडनेस है, ये जो कंपैशन है, लिसनिंग है, कंसर्न टूवर्ड्स वेलबींग है, ये तमाम चीजें वो अपनी जिंदगी में अपना लेता है। और जब वो ये तमाम चीजें अपनी जिंदगी में अपना लेता है तो उसके बाद उसके जो रिलेशंस बनते हैं वो एवर लास्टिंग होते हैं। तो जब मौरे अपनी जिंदगी के आखिरी साल जी रहा होता है तो उसके स्टूडेंट्स, उसके कॉलीग्स, उसके नेबरहुड के लोग, इवन स्टूडेंट्स तो हजारों माइल्स ट्रेवल करके मौरे से मिलने आते हैं और रोजाना मिलने मिलाने का एक ताना बंधा रहता है। तो जो उसने सीख लिया ह्यूमन नीड्स के हवाले से, उसने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ तो नहीं हुआ है, उसने ये कहा कि मैं एटलीस्ट दूसरों को ये चीजें दे सकता हूं। तो आई थिंक बीइंग अ ऑडियंस अगर हम देखें तो आज हमारे आसपास ऐसे बेशुमार लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए, उन पर तवज्जो दी जाए। वो हमारे बुजुर्ग हो सकते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। तो प्लीज तवज्जो देना और सुनना, ये जो काइंडनेस और कंपैशन है, ये आई थिंक इंसानों की बका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वो चीजें थी, ये वो एक्सपीरियंसेस थे जिससे मौरे जो है वो मौरे बनता है। बिल्कुल थैंक यू अली। आई थिंक ये बड़ा लाइक इट्स अ पेंडोरा बॉक्स। हर कल्चर जो है वो मूवेबल होता है, लाइक मूव कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। और हर कल्चर में कुछ अच्छी चीजें होती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे तब्दील होने की जरूरत है। लेकिन हम सब वेट कर रहे होते हैं कि जी ये काम तो नहीं कर रही लेकिन मैं क्या करूं, काइंड ऑफ, और फिर हम उसके आदी होते चले जाते हैं। तो तीन एग्जाम्पल्स मैं बुक में से शेयर करूंगी जो वो कल्चर के हवाले से कहता है। पहली चीज जो मौरे कहता है कि हमारा जिस तरह का कल्चर है वो ये चाहता है कि वो हमें ये समझाता है शुरू से ही कि मोर इज गुड, मोर मनी इज गुड, मोर पावर इज गुड, मोर मटीरियलिज्म इज गुड,
और ये इतनी दफा रिपीट किया जाता है कि हम अदरवाइज सोचना बंद कर देते हैं और फिर हम मोर की तलाश में निकल जाते हैं। और इसीलिए हमारे वॉन्ट्स और हमारी नीड्स में एक बहुत बड़ा ऑपोजिट्स क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी खाना हमारी नीड है, लेकिन 5 स्टार में खाना हमारी वॉन्ट है। और फिर ये जब इंसान की वॉन्ट्स बढ़ती चली जाती है तो फिर वो उन चीजों को हासिल तो करता है, लेकिन उसकी खुशी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होती है, और फिर अंदर एक खला कंटिन्यू हो जाता है। और अब मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन के अंदर जो 4-5 महीने हमने देखा कि तमाम लोगों ने अपनी नीड्स पे फोकस किया, वो चीजें खरीदी जो कि उनकी नीड थी, तो वर्ल्ड इकोनॉमी शेक होने लग गई। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस कल्चर में रह रहे हैं वो हमें बार बार ये चाहता है कि हमारी वॉन्ट्स की लिस्ट बढ़ती जाए ताकि कंज्यूमरिज्म बढ़ता चला जाए, और हम इसी वॉन्ट्स के अंदर अपनी लाइफ को एक तरह से उसी में इतना इंग्रोस हो जाए कि बाकी चीजों के बारे में सोच ना सके। एक और एग्जाम्पल जो इस किताब में दिया है वो ये कि कल्चर हमें सिखाता है कि रन 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 एंड बी नंबर वन, राइट? सेकंड आने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और हम अक्सर देखते हैं हमारे बच्चों के साथ कि बच्चे जब पैदा होते हैं उसी वक्त से वालदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जो है वो अगर वो थर्ड आता है तो हमें हमेशा चाहिए कि वो फर्स्ट क्यों नहीं आता, और अगर वो नाइन्थ आता है तब भी हमें चाहिए कि वो फर्स्ट क्यों नहीं आता। हम सेकंड के बारे में सोचते ही नहीं है। तो ये जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा है कि हमें रुकने की, रिफ्लेक्ट करने की, पॉज करने की का कोई वक्त ही मयसर नहीं आता। और इसीलिए हम एज अ ह्यूमन कम्युनिटी हम साइलेंस से खौफजदा रहते हैं। मौर्य ने एक एक्सपेरिमेंट अपने स्टूडेंट्स के साथ किया। वो एक मरतबा क्लास में दाखिल हुआ और 20 मिनट तक उसने कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था स्टूडेंट्स की एंजाइटी बढ़ती जा रही है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे। एंड आफ्टर 20 मिनट्स मौर्य सेड कि एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट कि वी आर सो अनकंफर्टेबल विद साइलेंस कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि थोड़ी देर के लिए भी कुछ रुक जाए। लेकिन रुकना, पॉज लेना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने रास्ते में अगर कोई ऐसी चीजें, ऐसी रुकावटें हैं जो हमें ग्रो होने में और होलिस्टिकली ग्रो होने में हमारी मदद नहीं कर रही, तो हम उन रुकावटों के बारे में सोचें और फिर हम आगे बढ़ें। ये दूसरी चीज थी। तीसरी चीज कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी है जो वो कल्चर के हवाले से कहता है। वो कहता है हमारा जो कल्चर है वो इस तरह का है, वो कहता है कि डिपेंडेंसी इज नॉट गुड। ऑफकोर्स हम चाहते हैं हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, हम चाहते हैं हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हमने इसको बड़ा फ्लैट लिया है कि डिपेंडेंसी इज नॉट गुड। लेकिन मौर्य ये कहता है जब हम पैदा होते हैं तब हम अपनी सर्वाइवल के लिए लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं, हम जब मरने के करीब होते हैं तब हम अपनी सर्वाइवल के लिए लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इन बिटवीन हम लोगों पर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं फॉर आर ग्रोथ। इसीलिए टीम वर्क, कोलैबोरेशन, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे वैल्यू किया जाता है। लेकिन चूंकि हमने सुना है कि डिपेंडेंसी इज नॉट गुड, तो इसी वजह से लोग इसको बाय करते हैं कि जी अगर मुझे मदद की जरूरत है तब भी मैं सीख ना करूं हेल्प, क्योंकि वरना कोई मुझे डिपेंडेंट ना ख्याल करे। तो ये वो कल्चर की चीजें थी जो मौर्य ये कहता है कि ऑफकोर्स जो अच्छी चीजें हैं जैसे रेड लाइट पे रुकना है, बेशक आप रुकें, लेकिन जो बिग क्वेश्चंस हैं जिंदगी के उसमें इंटेलेक्चुअली डिसाइड करें, और अगर चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही देन क्रिएट योर ओन कल्चर। आई थिंक ये जो मैसेज है ये हम सबके लिए इस पे रिफ्लेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मौर्य जो है वो एजिंग को बहुत ही
प्राइड के साथ देखता है. ही थिंक्स के ही इज वेरी लकी कि वो 78 तक जिया, और उसको 78 तक लर्न करने का और ग्रो करने का मौका मिला. लेकिन अगेन कल्चर जो है वो एजिंग को इस तरह से देखता है कि जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं तो आप जो है वो कमजोर हो रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. तो हर हर इंसान जो है वो यंग रहना चाहता है. और फिर हमारा कल्चर हमें बहुत सी ऐसी एडवर्टाइजमेंट के साथ इंगेज कर देता है कि आप हमेशा कैसे यंग रह सकते हैं. मौर्य का कहना ये है कि हमने ओवर ग्लोरिफाई किया है यंग होने को, क्योंकि हर एज के अपने प्रॉब्लम्स हैं. और फॉर हिम इट्स अ साइन ऑफ ग्रोथ दैट यू आर एजिंग, नाउ यू हैव सो मच टू शेयर विथ अदर्स. तो एजिंग के कॉन्टेक्स में मौर्य को ये लगता है कि हम जो है वो लाइफ को उस तरीके से नहीं ले रहे जिस तरीके से लेना चाहिए. तो जब मौर्य एजिंग की तरफ जाता है तो, और जब वो टोटली डिपेंडेंट हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, हर कोई उसके लिए काम करता है, तो वो उसको वो कहता है कि अब मेरे पास अगेन देयर इज अ चॉइस कि मैं इस डिपेंडेंसी को, इस एजिंग को जो है वो ये लूं कि अब मैं मोहताज हो गया हूं, या हर एक के अंदर एक बच्चा होता है, आई जस्ट स्टार्ट इंजॉइंग द किड अगेन कि मैंने अपनी डिपेंडेंसी को भी अब इंजॉय करना शुरू किया है. और उससे फर्क ये पड़ता है कि जो उसके केयर गिवर्स होते हैं, अमूमन जब लोग मोहताजी की कंडीशन में होते हैं तो वो बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं. और केयर गिवर्स, क्योंकि जो आपकी फीलिंग्स और थॉट्स होती है वो कंटेजियस होती है. इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव तो वो एनवायरमेंट में फ्लो आउट होती है. तो इवन केयर गिवर्स को भी इसका असर पड़ता है. लेकिन मौर्य जो टोटली डिपेंडेंट है एंड ही सो हैप्पी कि इतने सारे लोग हैं जो उसको हेल्प कर रहे हैं, तो उसके जितने केयर गिवर्स थे देवर ऑल्सो वेरी हैप्पी जब वो मौर्य को हेल्प आउट कर रहे होते हैं. तो मौर्य के हिसाब से एजिंग इज अ साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आई थिंक उन 14 मुलाकातों में बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की है, लेकिन कुछ मैं एक दो चीज जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मौर्य बार बार कहता है वो ये कि मोहब्बत जो है वो सुप्रीमली इम्पोर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग. वो यहां तक कहता है कि बगैर मोहब्बत के हम जो है वो ऐसे परिंदे की मानिंद हैं जिनके पर कटे हुए हैं. और वो एक जगह पे कोट करता है कि मोहब्बत, लाइक लव इज द ओनली रैशनल एक्ट. बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम जब मोहब्बत की बात कहते हैं तो हम कहते हैं मोहब्बत तो ब्लाइंड है, लेकिन मौर्य ये कोट कर रहा है कि लव इज द ओनली रैशनल एक्ट. आई थिंक मे बी वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से इज कि हम सब चाहते हैं कि हमसे मोहब्बत किया जाए. ठीक है, मोहब्बत की जो तलाश है और मोहब्बत किए जाने की जो ख्वाहिश है वो हर इंसान में हर उम्र में होती है. और अकॉर्डिंग टू मौर्य, इफ यू वॉन्ट कि आपसे मोहब्बत किया जाए, स्टार्ट लविंग अदर्स. क्योंकि मोहब्बत ऐसी चीज है जब आप करना शुरू करोगे तो यू विल गेट बैक, राइट? तो इट्स अ रैशनल डिसीजन दैट यू आर मेकिंग फॉर योर लाइफ कि मोहब्बत देना शुरू कर दो ताकि आप मोहब्बत रिसीव करने के काबिल हो जाओ. और जब हम मोहब्बत कहते हैं ना, हम उसको बड़ा कन्फाइन करते हैं रोमांटिक लव के अंदर, जबकि मोहब्बत होलिस्टिकली एक बहुत बड़ा डोमेन है इमोशन का, जिसमें लव टू डिवाइन, लव टू फैमिली, ह्यूमैनिटी, नेचर, सब कुछ आ जाता है. मैं अशफाक अहमद साहब का एक छोटा सा वाकया यहाँ पे पेश करना चाहूंगी कि अशफाक अहमद साहब एक मरतबा अपने बच्चे के साथ एक पार्क में बैठे होते हैं और माली जो है वो सफाई कर रहा होता है. वो बच्चे को देखकर बच्चे की तारीफ करता है और उसे कुछ दुआएं देता है. अशफाक साहब भी पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, तो माली जवाब देता है कि मेरे तो माशाल्लाह 8 बच्चे हैं. जिस पर अशफाक साहब कहते हैं कि मैं तो अपनी मोहब्बत को कभी 8 बच्चों में तकसीम नहीं कर सकता. इस बात पर जो माली है वो बहुत ही गजब का और कमाल जवाब देता है अशफाक साहब को. वो कहता है कि आपसे किसने कहा कि मोहब्बत को तकसीम किया जाता है, मोहब्बत को हमेशा जरब दिया जाता है. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. हम समझते हैं कि हमारी मोहब्बत करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, जबकि ऐसा नहीं है. हम अनलिमिटेड कैपेसिटी के साथ पैदा हुए हैं. तो अकॉर्डिंग टू मौर्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ ह्यूमन लाइफ कि हम जितना हो सके वो मोहब्बत को बांटते चले जाएं, फैमिली के साथ हो,
फैमिली में इन्वेस्ट करें, पीपल पे इन्वेस्ट करें. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो कहता है कि कम्युनिटी में इन्वेस्ट करें, अपनी कम्युनिटी के साथ इंगेज्ड हो और ना सिर्फ मटीरियली उसको हेल्प करें कम्युनिटी को. क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने मादी मदद कर दी है तो ये काफी है. मौर्य ये कहता है कि ये बिल्कुल काफी नहीं है, आपको कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना है बाय डूइंग थिंग, अपने टाइम के जरिए, अपनी नॉलेज के जरिए, अपने कंसर्न के जरिए. क्योंकि जब आप ये करते हैं तो ना सिर्फ आप कम्युनिटी को हेल्प करते हैं बल्कि ये प्रोसेस आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है. तो फॉर योर ग्रोथ जस्ट गिविंग मनी टू कम्युनिटी इज नॉट इनफ. एंड आई थिंक के मैं अपने ऑडियंस को जरूर ये इन्फेसाइज करना चाहूंगी कि हम जिस भी कम्युनिटी में रहते हैं, जिस भी तरीके से हम उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का हिस्सा बने. क्योंकि हम कम्युनिटी की मदद नहीं कर रहे बल्कि इस प्रोसेस में हम खुद एक न्यू मी तलाश कर पाते हैं. तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था कि अपने आप, दूसरों को माफ करने से पहले अपने आप को माफ करें. वो तमाम चीजें जो आप नहीं कर पाए उसके लिए अपने आप को माफ करें. क्योंकि अक्सर हमारे अंदर ये रिग्रेट होता है कि काश ये कर लिया होता, वो कर लिया होता. तो ही वाज सेइंग कि जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे उस वक्त तक आप दूसरों को माफ नहीं कर सकेंगे. तो माफी स्टार्ट विथ योर ओन सेल्फ. और वो ये कह रहा है कि डू इट नाउ बिकॉज यू नेवर नो कि आप मेरे जितने लकी ना हो कि जिसको पता हो कि उसके पास कितना वक्त है. आपके लिए शायद बर्ड आज ही कह दे कि दिस इज द डे. सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे जो इस बुक के अंदर दिए गए. Yeah, that's a very sad part actually. 1995 October में मौर्य की डेथ होती है. मौर्य की चूंकि उसे पता होता है कि उसके वो चोकिंग के जरिए शायद मरेगा, लेकिन वो घुटन वाली मौत नहीं चाहता. वो ये चाहता है कि वो बहुत पीसफुली और आराम से मरे. और जो एनर्जी जिस तरीके की वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, आई थिंक के वो कहीं ऊपर वाले को भी ये बात समझ आ जाती है. लास्ट ट्यूजडे, 14 ट्यूजडे जब मिच उससे मिलके जाता है, थर्सडे को ही वेंट इनटू कोमा एंड सैटरडे मॉर्निंग वेरी पीसफुली ही पास्ड अवे, राइट. लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये कि जो थर्ड इंटरव्यू उसका एबीसी ने किया और उससे सवाल किया गया कि अब आपके चूंकि दिन करीब आ रहे हैं तो आर यू अफ्रेड, सो ही सेड के नो आई एम लेस अफ्रेड. आई थिंक दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि जब आप समझ जाते हैं और आपको पता है कि आपने इतना कुछ किया है तो आप वेलकम करने के लिए रेडी होते हैं. और ना सिर्फ ये कि कुछ ऐसी चीजें उसने और की, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि उसकी बॉडी को जलाया जाए. तो जो फ्यूनरल डायरेक्टर है जो कि सारी तदफीन की रसूमात वहां पे देखते हैं, उसको उसने बुला के कहा डोंट ओवर कुक्ड मी, लाइक यू नो इट्स अमेजिंग. फिर उसने अपनी एशिस को जहां पर दफनाना है उसकी जगह का इंतखाब किया जो कि एक हिल पर जिसके नीचे एक तालाब है दरख्तों के साथ. सो इन दैट वे ही डाइड ऑन सैटरडे और ट्यूजडे को उसको दफनाया गया. बिकॉज पूरी किताब में वो बार बार कहता है कि वी आर द ट्यूजडे पीपल. और जो आखिरी में उसने इंतखाब किया कि उसकी कब्र पर जो तख्ती लगेगी उस पर लिखा होगा टीचर टिल एंड. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी बीमारी के बाद उसने जिस तरीके से जिंदगी जीने का फैसला किया, जो चॉइस मेक की, उसने उसे सिर्फ टीचर टिल डेथ नहीं बल्कि टीचर फॉर एवर बना दिया फॉर मेनी जेनरेशंस टू कम. मौर्य ने समझ लिया था कि ही इज नॉट द वेव बट ही इज द पार्ट ऑफ ओशन. और इस पूरी इंटरेक्शन से जो मिच ने समझा वो ये था कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट. क्योंकि ही सॉ कि उसका जो प्रोफेसर है एवरी डे ही इज चेंजिंग टिल ही डाइड. So, आज अगर जो ऑडियंस हमें इस वक्त सुन रही हैं, कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, आपको लगेगा कि अब दोबारा से कैसे शुरू किया जाए, लेकिन उसके लिए सिर्फ
पहला कदम बढ़ाना जरूरी है और आप अपने आप को चेंज करते चले जाएंगे. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड. अगर मौका मिले तो जरूर इसे पढ़िएगा और ये किताब अपने पढ़ने वालों के साथ बहुत इमोशनली और इंटेलेक्चुअली उसको एंगेज करती है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. दिस इज वंडरफुल बीइंग पार्ट ऑफ दिस एफर्ट. पर्सनालिटी टेस्टिंग का आगाज करेंगे और आपके दिए गए सवाल पर हमारे स्पीकर के साथ पूछेंगे.